आज पीपल फार्म की किचन से हम आपके साथ एक नहीं दो रेसिपी शेयर करने वाले हैं, एक नमकीन और एक मीठी लस्सी बनाने की रेसिपी, जैसे जिंदगी के दो पहलू होते हैं। जो हम ये रेसिपी बना रहे हैं, इसमें हमने गाय का दूध नहीं यूज़ किया, हमने इसमें मूंगफली का दूध यूज़ किया है, उससे हमने दही बनाया है। और अगर आपने हमारी रेसिपी नहीं देखी कि मूंगफली के दूध से दही घर पे कैसे जमा सकते हैं, तो आप वो रेसिपी हमारे लिंक में देख सकते हैं। तो ये रेसिपी उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो दूध से परे जा रहे हैं या जिन्हें दूध नहीं सूट करता। तो आइए हम सबसे पहले छाछ की रेसिपी देखते हैं। छाछ बनाने के लिए हम सबसे पहले यूज़ कर रहे हैं दही। ये हमने मूंगफली के दूध की बनाई हुई दही है वो यूज़ कर रहे हैं। कुछ हमें चाहिए पुदीने के पत्ते, कुछ कटी हुई हरी मिर्च, इसमें हमने कद्दूकस किया हुआ है अदरक, यह है भुना हुआ जीरा और थोड़ा सा नमक। तो चलिए अब देखते हैं रेसिपी। सबसे पहले हम लेंगे एक बड़े बर्तन में दही। हमने एक गड़वी ली है, उसमें हम सबसे पहले दही डालेंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे, फिर हम इसमें डालेंगे अदरक, इसमें भुना हुआ थोड़ा सा जीरा डालेंगे, कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। अगर आपको तीखा नहीं पसंद तो आप ये रहने भी दे सकते हैं। स्वाद अनुसार इसमें नमक डालेंगे और फिर हम थोड़े पुदीने के पत्ते इसमें डाल देंगे। अच्छी तरह से मधानी के यूज़ से फेंट लेंगे। अगर आप ब्लेंडर का यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। बर्फ के साथ इसको सर्व करिए और ऊपर से गार्निश के लिए मैंने इसमें थोड़े से मिंट के पुदीने के पत्ते डाल दिए और भुना हुआ जीरा डाल सकते हैं। अब ये छाछ तैयार है। अब आपने देखा कि छाछ कैसे बनती है, तो अब नेक्स्ट रेसिपी जो है वो पंजाबी मीठी लस्सी की है। तो चलिए उसकी रेसिपी भी देखते हैं। मीठी लस्सी बनाने के लिए सबसे पहले हम यूज कर रहे हैं मूंगफली के दूध का बना हुआ दही। हरी जो इलायची होती है उसको हमने पीस लिया है वो यूज़ करेंगे। अगर आपको इलायची का टेस्ट पसंद नहीं है तो ये ऑप्शनल, आप इसे छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं पम्पकिन सीड्स। इसकी जगह आप पिस्ता डाल सकते हैं, बादाम डाल सकते हैं। फिर हमें चाहिए थोड़ी सी गुड़ शक्कर। अगर आपको गुड़ का टेस्ट नहीं अच्छा लगता तो आप इसकी जगह चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। और थोड़े से आपको चाहिए केसर। और अब चलिए रेसिपी बनाते हैं। सबसे पहले हम जो दही है उसे एक बड़े बर्तन में या गड़वी में डाल लेंगे। फिर हम इसमें पानी डालेंगे और जिसे आप एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको कितनी थिक लस्सी पसंद है। जो पाउडर की हुई इलायची है वो हम डालेंगे इसमें। फिर हम डालेंगे गुड़ शक्कर या चीनी, जो भी आप यूज कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को हम मदानी से हिला लेंगे। अगर आप चाहें तो इसको ब्लेंडर में भी कर सकते हैं मिक्स। पिस्ता या पम्पकिन सीड जो भी आप यूज कर रहे हैं वो डाल देंगे। फिर हम इसको सर्व करने से पहले इस पर थोड़ा सा केसर डाल देंगे और ये हो गई आपकी लस्सी तैयार।